अस्सलाम वालेकुम खवातीन और आज़ाद, आज एक बार फिर एन एवरा में खुशामदीद। भाई बहन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्टिनेंट बेकरी पे। मैं 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था, उस वक्त मैंने मीनार पाकिस्तान में मजीद खूबसूरत जगह कवर अप किए थे। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में आप रैम्बो कवर अप करेंगे और मजीद जगह जो खूबसूरत जगह यहाँ पर आए हैं वो आपको दिखाते हैं। खवातीन आज़ाद, जरा मेला चला चेक करें कितने खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह से ये जमाल कैटल फार्म से लिया गया, ये जमाल कैटल फार्म से लिया गया है, ये 2 फिब्बी के हैं और आई थिंक सो वो भी जमाल के पीछे जो बैठा हुआ, और ये रैम्बो ही तो बड़ा मशहूर है। कितना खूबसूरत है और कितना भारी है माशाल्लाह से। इसका वजू चेक करें आप। खवातीन आज़ाद, तो ये है माशाल्लाह से प्यारा सा पांडा, उसकी खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से, कितना प्यारा लग रहा है। आज़ाद इस साल का सबसे खूबसूरत बछड़ा रैम्बो, ये जरा इसकी खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से। ये डीके कैटल फार्म से लिया गया है, ये कॉन्टिनेंट में मौजूद है, ये भी इसका भी आज आखिरी दिन है, और इसकी खूबसूरती चेक करें, इसका फेस प्रिंट चेक करें। खवातीन आज़ाद, एक बछड़ा खड़ा हो गया, चुलिस्तानी बछड़ा माशाल्लाह से, ज़रा इसका वजूद चेक करें, हाइट चेक करें, लंबाई चेक करें। बाकी हम बछड़े खड़े नहीं करेंगे, बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसी बात है, आराम कर रहे हैं और सुबह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं जानवर, तो फिर जानवर अभी आराम करें तो थके हुए, तो बहुत नामुनासिब हो जाएगा अगर मैं सबको उठा के दिखाऊँ आपको। खवातीन आज़ाद, काफ़ी बड़ा सेटअप लगाया गया है इस बार। मुझे याद है 2 साल पहले सिर्फ इस एरिया के अंदर जानवर खड़े होते थे और कुछ जानवर थोड़े से उस साइड पे भी थे, लेकिन इस साल इस इधर तो इधर हैं ही हैं जानवर, उसके अलावा अलग से जो जानवर मैंने आपको अभी दिखाया वो उधर खड़े हैं फिर भी के जो बोर्ड लगा हुआ है माशाल्लाह से, और कुछ बछड़ियाँ वहाँ उस तरफ खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर जमाल के बड़े बड़े ये ज़रा वजूद चेक करें इस बछड़े का, काफ़ी बड़े बड़े बछड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। खवातीन आज़ाद, लोगों का शौक चेक करें कितनी पब्लिक है। वैसे मैं आप पब्लिक भी दिखाता था, चलो आपको पब्लिक कितनी है माशाल्लाह से यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो वो देखें, वो ये थोड़ा सा फोकस आउट हो रहा है इस वीडियो का, मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा, वहाँ पे स्क्रीन लगी है, वहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे कैटवॉक कराई गई है इन जानवरों की। इस बछड़े की आप ज़रा कमर देखें माशाल्लाह से, बैक और कमर दोनों लाजवाब है, भरपूर वजूद के अंदर बछड़ा है। इसका फेस प्रिंट आप चेक करें। खवातीन आज़ाद, एक और बछड़ा चेक करें, ये भी बड़ा खूबसूरत है, मतलब हर बछड़ा यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है, अपनी रंगों नस्ल में बड़ा खूबसूरत है। तो इस बछड़े को भी चेक करें, ये भी लाजवाब है, लिटरली लाजवाब है। सो मैं करीब से दिखाऊँ ताकि आप ज़रा सही से नोटिस कर सकें, ये भी बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये भी सब के सब बछड़े यहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, और जब शाम रात का दिन है तो आप रश तो देख ही सकते हैं। खवातीन आज़ाद, ये देखिए 3 फिब्बियों की बछड़ी बैठी है। बाय द वे, जिनको नहीं पता उनको बताता चलो, मुझे फिब्बी की बछड़ियाँ बड़ी पसंद है, बहुत ही एक्टिव होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। जब भी मैं मंडी जाता हूँ हमेशा जब भी वी आई पी मंडी जाता हूँ हमेशा मैं फिब्बी कैटल फार्म की बछड़ियाँ लाजमी चेकआउट करता हूँ, क्योंकि मुझे फिब्बी कैटल फार्म की बछड़ियाँ बहुत टाइट लगती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, एक्टिव भी होती हैं। खवातीन आज़ाद, जरा बच्चों का शौक चेक करें, कैसे छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पर, हाथ लगा रहे हैं, मैं शौक भी पूरा कर रहे हैं। खवातीन आज़ाद, इसका ज़रा फेस प्रिंट चेक करें, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। है ये बछड़ी है बहुत प्यारी, प्यार भी करवा रही है माशाल्लाह, सर से नीचे कर लिया, आराम से प्यार करवा रही है। इन दोनों का फेस प्रिंट चेक करें, दोनों बड़े खूबसूरत हैं, फेस प्रिंट अबलग प्रिंट के अंदर है, बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, और प्यार भी करवा रहा है, तो बड़ा प्यार जानवर है। खवातीन आज़ाद, दोनों बछड़े खड़े हो गए हैं जमाल कैटल फार्म के, दूसरा हो रहा है, एक खड़ा हो गया माशाल्लाह से। अब आपको असल में अंदाज़ा होगा कि इन दोनों का वजूद है कैसा माशाल्लाह, बड़े भारी भरकम जानवर है दोनों के दोनों। ये देखें माशाल्लाह से खड़ा हो गया है, ये मुझे लगा मीनार पाकिस्तान के टक्कर का जानवर है, या शायद मीनार पाकिस्तान से ही बड़ा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बहुत ही भरपूर जानवर है, हाइट, लंबाई, वजूद, खूबसूरती, हर चीज़ में ये एक नंबर है। खवातीन आज़ाद, चेक करें, मैं आपको हाइट दिखा रहा हूँ, इनकी लंबाई दिखा रहा हूँ, और ये इसका दूसरा भाई खड़ा हुआ है माशाल्लाह, दोनों बड़े भरपूर हैं। ये मुझे मीनार पाकिस्तान के टक्कर के लग रहे हैं, मुझे याद है मीनार पाकिस्तान था तो वो भी इसी हाइट पर इसी वजूद के ऊपर था। खवातीन आज़ाद, बछड़े और बछड़ियों का वनडे का टाइम स्टार्ट हो गया, तो अभी खाना वाना खा रहे हैं माशाल्लाह सब के सब। सर चेक करें, सब के सब खूबसूरत, सबके फेस प्रिंट चेक करें, और ये तो देखा है 3 फिब्बियों की हैं, और ये जमाल गए, मैं करीब नहीं जाऊँगा क्योंकि खाते वक्त तंग होगा बछड़ा। आज़ाद, ये थोड़ी बछड़ी थोड़ी परेशान हो गई है, क्योंकि सब आगे हाथ लगा रहे थे, प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ी परेशान हो गई बछड़ी, लेकिन है बड़ी प्यारी माशाल्लाह से, इसका फेस प्रिंट बड़ा खूबसूरत है। आज़ाद, फ्रंट से देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, बड़ा प्यारा बछड़ा है यार, ये मेरा दिल आ गया इन दो बछड़ों पे, बहुत ही हैवी है, हैवी ड्यूटी बछड़े हैं दोनों, बीस्ट है माशाल्लाह से। उसको देखें, दोनों गुस्से में आ गए, दोनों गुस्से में आ गए, लेकिन दोनों भरपूर और दोनों बड़े प्यारे बछड़े हैं। आज़ाद, 10:30 बजे इस वक्त, और लोगों का रश चेक करें, चांद रात का दिन है, पूरा भरा हुआ माशाल्लाह से, पाँव धरने की जगह नहीं है, आप ज़रा देखें, वो पीछे से लोग आए जा रहे हैं और यहाँ पे आके अपना शौक पूरा कर रहे हैं। इसकी भी बैक से चेक करें,
आपके चैनल का भी नाम बता दूँ, क्या नाम है आपके चैनल का? मोहम्मद अकील नाम है भाई, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें भाई, इस बछड़े को थोड़ा चेक करें, दूर से दिखाना ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। ख़वातीन आज़ाद वापस फिफ्टी वाले टेंट में आ गए हैं, जानवर खड़े हो गए तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप अब देख लें, आप इन सब का वजूद चेक कर लें, वैसे बैठे थे जब भी दिखाए थे मैंने आप लोगों को, लेकिन अब ये सब खड़े हो गए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले पीछे दो वाले भी दिखाता हूँ मैं आपको, सब के सब बड़े खूबसूरत हैं, अभी खाना पीना चला है इन सब का। ये देखें बड़ी भरपूर बछड़ी है, बड़ी भरपूर बछड़ी है भी बड़ी खूबसूरत। मुझे ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे मारेगी। नहीं 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 नहीं, प्यार करवा रही है। नहीं भाई नहीं यार, ये हटो हटो बच्चो। खवातीन आज़ाद ये बछड़ी भी चेक करें, बड़ी प्यारी है, ये भी काफ़ी वजूद के अंदर है। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रही नहीं आ रही सही से, लेकिन ये भी बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बड़े वजन में बड़े खूबसूरती के अंदर है। ये भी प्यार करने दे रही है। खवातीन आज़ाद ये बछड़ा भी चेक करें, ये मैंने बैठे हुए आपको दिखाया था, लेकिन अब खड़ा हुआ कितना कितना वजनी है। अभी मैं ज़्यादा पीछे नहीं हो सकता वरना मैं टेंट से बाहर आ जाऊँगा, लेकिन ये भी बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह भारी बछड़ा है। ख़वातीन आज़ाद मुझे याद है जब मैं दो साल पहले आया था तो मैं नारे पाकिस्तान की जो खिदमत हो रही थी वो वसीम भाई करते थे, वसीम भाई मुझे दोबारा मिल गया। वसीम भाई क्या सिलसिला है, आज भी खिदमत का ठेका आपने लिया हुआ है? ये हमारे बात ही होता है चार पाँच साल से, 2019 से हमारे बंदे आ रहे हैं। 21 में मैं आया था, 19 में मेरा कज़न आया था, फिर 22 में मेरा कज़न आया, 23 में माशाल्लाह मैं आ चुका। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये जो बछड़े पलते हैं इनका बंडा होता है या किस तरीके से इनकी खिलाई पिलाई होती है कि जो इनका इतना बड़ा वजूद होता है? हर चीज़ अलग अलग होती है, देखिए बंडा भी होता है मौसम के हिसाब से, दूध मक्खन तेल दही वगैरह भी हर चीज़। अच्छा वहाँ पर भी खिदमत वैसे आप ही करते हैं ना? वहाँ पर भी हम होते हैं, हम 7 साल से जमाल केटल पर भी काम कर रहे हैं भाई। 7 साल से भाई जान जमाल केटल फार्म पर काम कर रहे हैं और उनकी खिदमत उनकी पलाई नज़र आ रही है लिटरली। और मज़े की बात यह है कि अगर वो दोनों जानवर भागे हैं, दाम के दोनों जानवर के जानवर के नाम रखे जमाल के अगर शान पाकिस्तान जो बड़ा बछड़ा मैंने आपको दिखाया, अगर ये भाग भी जाए ना तो अगर वसीम भाई रोकेंगे तो रुक जाएगा, क्योंकि वसीम भाई से मोहब्बत है ऐसा ही ना? हाँ बिल्कुल, हमारा तो काम वाले हम तो काम करते हैं, यहाँ तो सारे लोग खोल लेते हैं, जब जानवर लेके जा रहे होते हैं तो 50 लोग करते होते हैं, जब लेके आते हैं तो 5 होते हैं जो हम काम करने वाले हैं। ये जानवर भी वही होता है कि मानूस होता है, वो देखता है कि यार ये बंदा मेरी खिदमत करता है उसको मारता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो पता है ना उनको कि ये इतना साल से इतना टाइम से हमें पाल रहे हैं खिदमत कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनको भी पता है ना। वसीम भाई क्या शौक है ज़रा मुझे बताएं, आपको भी शौक है इन चीज़ों का, क्योंकि आप भी साथ साथ आपने बताया सके जमाल केटल फार्म में काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि इतने बड़े बड़े जानवर को आपने पाल के बड़ा किया, क्योंकि ये भी बड़े फ़खर की बात है कि यार मेरे हाथों को पला हुआ जानवर माशाल्लाह शान पाकिस्तान और इतने बड़े वजूद। मुझे एक और चीज़ बताई गई, मीनार पाकिस्तान से बड़ा लग रहा है मुझे, ये मीनार पाकिस्तान से बड़ा है? नहीं नहीं, मीनार पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा था, लेकिन माशाल्लाह ये भी उससे कम नहीं है, उससे कम नहीं, उसी की टक्कर का ही भी, उसी की टक्कर का ही है। और माशाल्लाह मैं 7 साल हो गए जमाल के डल रहे, माल के काम पे बहुत शौक है, लेकिन अपना नहीं कर पाए घर पे रह के, तो नौकरी कर ली, शौक पूरा हो रहा है कि 7 साल से एक ही, ये जो हमें बहुत फ़खर है कि 7 साल से हम एक ही बंदे के पास, मेहराब भाई के पास और बाबर भाई के पास 7 साल से एक ही बंदे के पास काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत इज्जत होते हैं हमारे। अच्छा आप इधर आते हैं हर साल ही आते हैं तकरीबन, पिछले साल आए थे आप? मैं पिछले साल नहीं आया, पिछले साल आप आए थे, पिछले साल आपने यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था कॉन्टीनेंटल पे? यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी इज्जत करते हैं, खाना पीना भी अच्छा देते हैं, रहते भी अच्छे हैं, माहौल अच्छा भी यहाँ बना हुआ है। चले बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने टाइम दिया। वसीम भाई आपकी खिदमत आपकी पढ़ाई लिटरली नज़र आती है यार, आपसे मैं 2 साल पहले भी मिला था, मुझे बड़ा खुशी हुई थी मिलकर आपसे, बहुत शुक्रिया आपका। दिनों आज़ाद बछड़ी चेक करें, ये सिद्दीकी केटल फार्म की, ये उमर भाई की है, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी है, प्योर वाइट है, प्योर वाइट, बहुत बहुत प्यारी बछड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह से। उसके अलावा एक और बछड़ी यहाँ पे, ये भी सिद्दीकी केटल फार्म की, ये भी उमर भाई की है, दोनों बछड़ी बड़े भरपूर वजूद में, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ख़वातीन आज़ाद रैम्बो खड़ा हो गया है, चारा वारा खा रहा है, फिर आपको करीब से दिखाता हूँ, बड़ा गुस्सैल बछड़ा है लेकिन बड़ा प्यारा है और इस साल का बड़ा मशहूर बछड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये पांडा है, बड़ा खूबसूरत है ये भी, ये दोनों जमाल, ये जमाल का है और डीके केटल फार्म का ही है। भाई बहनों भाई जान लगे हैं सफाई कर रहे हैं आराम से, और जैसे ही देखा ना कि यार ये बंदा मेरी टेक केयर करता है, ये वही बंदा है जो मुझे खाना वाना देता है, तो आराम से सेट हो गया बछड़ा, वरना किसी को हाथ लगाने भी नहीं देता अभी ये, और अभी आराम से सफाई करवा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये होती है मोहब्बत, जो बंदा पालता है ना उसे बछड़ा कभी भी नहीं मारता है। ख़वातीन आज़ाद मैं तकरीबन 10 बजे तक यहाँ पहुँचा था,
उस वक्त भी काफ़ी रश था, लेकिन इतना नहीं था कि ये लोग चल ही नहीं पाए, लेकिन अब इतना रश हो गया कि लोग चलने की जगह ख़त्म हो गए, लिटरली जैम पैक हो गए लिटरली। अभी मेरी वसीम भाई से बात हुई तो वसीम भाई ने बताया कि जितने भी जाम है रात के 3 बजे कैटवॉक पर जाते हैं, जब जाके रश थोड़ा हल्का हो जाता है और रोडें भी उस वक्त थोड़ी मतलब खाली खाली हो जाती हैं, तो उस वक्त ये सारे जाम है कैटवॉक पर जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये बछड़ा और ये वाला बछड़ा ये एक साल मस्जिद पलाई पे जाएगा, ये इस साल कुर्बान नहीं होंगे, ये अगले साल इंशाअल्लाह। ये अभी तो फिलहाल ये मीनार पाकिस्तान के टक्कर के हैं मेरे हिसाब से, लेकिन अगले साल इंशाअल्लाह जब ये एक साल मस्जिद पलेंगे तो इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान से ऊपर चले जाएंगे। और एक करेक्शन करता चलूँ, वो जानवर जो वाइट बैठा हुआ है, अब तो खैर बैठ गया, मैं आई डोंट नो कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, अब वो बैठ गया बछड़ा, जरा मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। बछड़ा जो मैंने आपको बताया था इसका नाम पांडा नहीं है, इसका नाम है फ़खरे जमाल। ख़वातीन हज़रात, आखिरी बात ये है कि इन सब जानवरों की कुर्बानी ईद के दूसरे दिन की जाएगी, इन दोनों को छोड़ के ये तो पलाई पे जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, ये जो दुम्बे और बकरा आप देख रहे हैं ना, ये भी सब उमर भाई के माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत हैं और सब के सब भारी और बड़े नस्ली बकरे हैं। हज़रात, ये स्क्रीन लाइव कॉन्टिनेंटल बिल्कुल बेकरी के बराबर में है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जानवर की कैटवॉक वगैरह हो रही है। इसके अलावा एक सारा सेटअप यहाँ लगा, ये बकरों का सेटअप है, उसके पीछे जानवरों का सेटअप है, इसलिए बड़े बछड़े खड़े हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने काफ़ी बड़े बड़े खूबसूरत जानवर दिखाए जो कॉन्टिनेंटल पर आए थे, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे याद है, मैं खुशी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।